अंततः पति पत्नी बेटा बेटी चारों का मृत शरीर पंच तत्व में विलीन हुआ। मैहर सतना मार्ग में हुई सड़क दुर्घटना में मैहर के जमताल निवासी उपाध्याय परिवार के 4 सदस्यों की दर्दनाक मृत्यु हो गई। जीत नगर में उपाध्याय परिवार के साथ हुई हृदय विदारक सड़क दुर्घटना में एक ही परिवार के 4 सदस्यों का काल कल्पित हो जाना आत्मा को झकझोर गया। हम उस परिवार के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए प्रभु श्री हरि के चरणों में स्थान देने की कामना करते हैं, साथ ही मृतक जनों को रूंधित गले से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक ना तो सतना जिले का कोई जनप्रतिनिधि और ना ही प्रशासनिक अमला पहुंचा। किसी का घर समाप्त हो गया और हमारे क्षेत्र के नेता मंत्रीगण अपने गुरूर में खोए हुए हैं। पापा, ओ पापा, आवाज बिटिया और बेटे ने दी, आज हम कहीं बाहर खाना खाएंगे। ख्वाहिशों को पूरा करने अपनी जीवन संगनी और बच्चों संग एक पिता और पति चल पड़ा। जीवन के सुखद पल होते हैं जब परिवार साथ में खाना खाता है। इस खुशी को एक पिता बेहतर तरीके से महसूस कर पाता है। रेस्टोरेंट के वेटर को बुलाया और उसे मोबाइल देते हुए परिवार की फोटो खिंचवाई गई। कितनी परफेक्ट फोटो आई थी, एक हंसता खेलता परिवार। लेकिन किसे पता था कि इस परिवार की जिंदगी की ये आखिरी फोटो बनने वाली है। परिवार अपनी मस्ती में घर मैहर के लिए निकल पड़ा। 15 मिनट की दूरी घर की बची थी कि एक अनहोनी हुई। कार सीधे सामने आ रहे ट्रक से जा भिड़ी, फिर सब कुछ खत्म। 1 घंटे पहले हंसता खेलता परिवार अब दम तोड़ चुका था। कुछ सांसें बची थी बेटे स्नेह की, तो वो व्यवस्था के आगे दम तोड़ गई। अब उपाध्याय परिवार की कोई भी फोटो पूरे परिवार संग कोई भी वेटर नहीं खींच सकता। क्या ये कहानी सतना जिले के सिस्टम को जगाएगी? नहीं, क्योंकि हादसे के बाद 2 घंटे तक स्नेह सड़कों पर ही इलाज तलाशता रहा। पर्याप्त समय मिलने के बाद भी उसे वह चिकित्सा नहीं मिल सकी जिससे उसकी जान बचाई जा सके। घटना के 20 मिनट के अंदर अस्पताल पहुंचने वाले स्नेह के 2 घंटे सड़क पर बिताने के बाद खाना पूर्ति वाले इलाज में जिला अस्पताल में दाखिल हुआ और फिर रेफर के नाम पर सड़क पर ही दम तोड़ गया। ये एक परिवार की मौत नहीं, ये यहाँ की चिकित्सा सेवा की मौत है। यह उन नेताओं के इंसानियत की मौत है जो बड़े बड़े दावे करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं की। यह मौत है उन अफसरों की, उनकी जिम्मेदारियों की, जिन पर इसकी सुधार की निगरानी की जिम्मेदारी है। बाकी गड्ढे और निर्माण, अनदेखी से खूनी होती जा रही सड़कों पर बोलना, लिखना बिके हुए लोगों के सामने बेमानी है, क्योंकि इन्हें दर्द तब होगा जब कोई इनका अपना जाएगा। भगवान न करे ऐसी घटना और किसी के परिवार में घटित हो। परमात्मा उन सब की आत्मा को शांति दें एवं अपने श्री चरणों पर स्थान दें। ओम शांति, ओम शांति।